बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्राइट साइड विद फैरी में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है रोज़े की फ़जीलत के बारे में। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में क्या फ़रमाया? इमाम फरमाते हैं, रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको अपने रोज़े से भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मुख्तसर और वजाहत, माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा अल्लाह की जानिब से तमाम लोगों के लिए एक अजीम नेमत है, इसलिए कि रोज़ा एक इबादत के साथ साथ इंसान को बदनी और रूही बीमारियों से भी निजात दिलाता है। मेडिकल और तिब के हवाले से भी तमाम माहरीन इल्म तिब का मानना है कि रोज़ों की वजह से माह रमज़ान में इंसान का बदन रिफ़्रेश हो जाता है। रूही और मसनवी एतबार से भी माह रमज़ान रूही और इखलाकी बीमारियों से दूर होने का एक बेहतरीन मौका है, जिसमें इंसान रियाजत से अपने आप को बुरी खसलतों से दूर रख सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो कि माह मुबारक रमज़ान में हम सिर्फ भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहें और मानवी और रूही एतबार से रोज़े का हमारे ऊपर कोई असर ना हो। हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।